नमस्कार दोस्तों, मैं आज नीलकंठ यात्रा की आपको कुछ ऐसी सच्चाई बताऊंगा जो कि आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा, और कुछ ही चीज़ें आपको यूट्यूबर दिखाते हैं, पूरी सच्चाई आपको नहीं दिखाते हैं कि आपको कितनी मुसीबत और कितनी तकलीफ़ यात्राओं में झेलनी पड़ती हैं वो कोई नहीं बताता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ऋषिकेश से जब इधर को आते हैं तो ये एक 30 किलोमीटर की यात्रा होती है। अगर आपके पास अपना पर्सनल वाहन नहीं है तो आप यहाँ तक मैक्स में आएंगे, मैक्स लगभग 8 लोगों को लेकर के यहाँ तक आती है, और लगभग 2 या 3 किलोमीटर पहले इसकी पार्किंग है जहाँ पर आपको उतार दिया जाएगा। वहाँ से फिर आप देखिए यहाँ से पैदल चलते हुए आएंगे, कम से कम 3 किलोमीटर आपको पैदल चलना होता है, तब कहीं जा कर के आप मंदिर के करीब पहुँचेंगे, और यहाँ आपको कुछ दुकानें मिल जाएंगी जहाँ पर कि आपको प्रसाद मिल जाएगा। और यहाँ पर को एक ये थाली होती है जो बहुत विशेष मानी जाती हैं, अलग अलग इनके रेट होते हैं, तो इनमें 50 रुपये से लेकर के 251-500 तक की थाली आपको मिल जाएगी, जिसमें कि नाग नागिन का जोड़ा होता है, मूर्तियाँ होती हैं। और अब जाकर हम 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम यहाँ मंदिर के करीब पहुँचे हैं। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि आप अगर सीधे जाएंगे तो मंदिर 2 कदम की दूरी पर है, लेकिन ये रास्ता डाइवर्ट कर दिया जाता है, तो डाइवर्ट करने के चक्कर में आपको कम से कम 2 किलोमीटर मंदिर के अंदर से चलना पड़ता है, और 2 किलोमीटर भीड़ में आपको चलना होगा। और ये देखिए यहाँ अंदर की तरफ भी बहुत सारी दुकानें आपको मिल जाएंगी। थोड़ा सा हम शॉर्टकट जाने के चक्कर में रास्ता भटक पड़े यहाँ पर को, क्योंकि मैंने सोचा कि मंदिर यहीं पर है तो यहीं से हम चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर बाकी सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। और अगर आप किसी विशेष पर्व पर नहीं आते हैं तो गेट के जस्ट नीचे ही मंदिर है, आपको सिर्फ 2 या 3 मिनट लगते हैं नीचे जाने में, लेकिन यदि आप किसी पर्व के अवसर पर आते हैं तो यही रास्ता कम से कम 2 किलोमीटर के आसपास का हो जाता है, जो कि गलियों से घूमता हुआ बैरिकेडेड कर दिया जाता है ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। तो देखिए अभी हम उस रास्ते पर पहुंच चुके हैं और ये रास्ता मंदिर की तरफ को जा रहा है, जबकि मंदिर यहीं पर लगता है लेकिन रास्ता काफ़ी डाइवर्ट कर दिया जाता है। और ये हर उस अवसर पर होता है जबकि भीड़ ज़्यादा होती है, और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इस रास्ते को डाइवर्ट कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं ऊपर भक्तों की भीड़ चल रही है, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम उस रास्ते को पकड़ें फटाफट, तो हम यहाँ पर अभी फ़िलहाल जा रहे हैं, और अब जाकर के हम इस तरफ को निकल रहे हैं। लगभग 15-20 मिनट हमें पैदल चलते हुए हो गए हैं, तो यहाँ पर आपको काफ़ी पैदल चलना पड़ता है, तो आपको थोड़ा थकान तो महसूस होगी ही। और पैदल चलने के बाद अब हम यहाँ पर को उस रास्ते पर पहुँच चुके हैं, नीलकंठ महादेव के रास्ते पर, और ये देखिए भीड़ कुछ आ रही है कुछ जा रही है, काफ़ी भीड़ है। आज शिवरात्रि के दूसरे दिन का नज़ारा है ये, अगर हम शिवरात्रि के दिन आते तो फिर तो यहाँ पैर रखने के लिए भी जगह नहीं होती है। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप थोड़ा भीड़ को देखते हुए आएँ, और यहाँ पर को आप देख रहे होंगे कम से कम 2 किलोमीटर तो हम पैदल पार्किंग से यहाँ तक चल के आए, और कम से कम 2 किलोमीटर की यात्रा आपको यहाँ करनी पड़ती है मंदिर के अंदर जाने के लिए, और वहाँ पर को भी काफ़ी भीड़ लगी रहेगी। तो वहाँ पर पुजारी जी आपका जल चढ़ाते रहते हैं, अंदर शिवलिंग है जिसका कि आपको वीडियो नहीं बनाने दिया जाएगा। और ये देखिए ये मंदिर मार्ग है, तो आप देख सकते हैं यहाँ कुछ भोजनालय भी आपको मिल जाएंगे। ये सारी चीज़ें कोई भी यूट्यूबर नहीं दिखाता, क्योंकि जल्दी जल्दी उन्हें अपना वीडियो बनाना होता है और फिर आपको दिखाना होता है, तो मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कितना यहाँ पर को चलना पड़ता है, कितना आपको थोड़ा कष्ट तो होता है मंदिर जाने में, और पैदल भी काफ़ी चलना पड़ेगा, और फिर इस तरह से आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, लाइन में चलना पड़ेगा,
फिर आप लाइन को पकड़ेंगे और कम से कम एक घंटे से भी ऊपर का समय लग जाएगा आपको मंदिर में दर्शन करने के लिए। ये देखिए कितनी भीड़ है। तो यहाँ पर को कुछ दुकानें भी आपको मिल जाएंगी, चौहान प्रसाद भंडार, ये चौहान जी का भंडार प्रसाद भंडार है। और ये हम अभी फ़िलहाल चल ही रहे हैं, आप देख रहे होंगे हम कितनी देर से चल रहे हैं। तो इसी तरह से आपको भी इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी, इस तरह से चलना पड़ेगा। तो ये चीज़ें बहुत कम लोग आपको दिखाएंगे, और कितना समय यहाँ पर को लगता है वो आप देख सकते हैं, बहुत समय आपको लगेगा अंदर जाने में। और अगर आप मैक्स से आए हैं तो ये समय के बाद आपको फटाफट यहाँ से वापस जाना होगा, फिर आप 2 किलोमीटर वापस जाएंगे, फिर आप मैक्स में बैठेंगे और अन्य साथी भी जब आपके आएंगे तो ही मैक्स वाला लेकर के आपको जाएगा। तो हम आज यहाँ पर आए तो हमें घर जाते जाते यानी कि हरिद्वार जाते जाते हमें लगभग 10:30 रात के बज गए थे। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा समय को देखते हुए आप सुबह के समय यहाँ पर आएँ, और आप देख सकते हैं कि आपको मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी, खासकर किसी पर्व के अवसर पर। और अगर आप कभी ऑफ सीजन में आते हैं जबकि मंदिर में कोई ऐसा पर्व ना हो, भीड़ ना हो, तो आप जल्दी चले जाएंगे, तब आपको कम समय लगेगा आने जाने में भी, और फिर आपको यहाँ पे कहीं जाम भी नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भक्तों की भीड़ लगी हुई है। तो इसमें आपको काफ़ी समय लगेगा मंदिर के अंदर जाने तक, आप देख सकते हैं कम से कम 1 घंटे से ऊपर का समय लग चुका है और अभी तक हम मंदिर के अंदर नहीं पहुँचे हैं। तो ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप इस तरह से समय निकाल करके आए, ये सोच लीजिएगा कि आपको कम से कम 1 घंटा तो पार्किंग से मंदिर तक पहुंचने में लगेगा, और उसके बाद 1 घंटा आपको मंदिर का दर्शन करने में लगेगा, फिर आपको वापस जाने में भी कम से कम 1 घंटा लगेगा। तो उसके बाद अगर आप यहाँ खाना खाना चाहें तो खाना खाएंगे, फिर आपको वो टाइम लगेगा, और उसके बाद फिर आप गाड़ी में बैठेंगे और फिर आपके साथी आएंगे, तब जाकर जो मैक्स वाला ड्राइवर चलता है। और यहाँ आप देख सकते हैं जयकारे लगाए जा रहे हैं काफ़ी भोलेनाथ के, सारी भीड़ जयकारा लगा करके आतुर हो रही है भोले भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। कहीं दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं, नीलकंठ महादेव की महिमा बहुत ही अपरंपार है। आप जानते हैं कि समुद्र मंथन के समय जब भगवान भोलेनाथ ने विष पिया था, तो उस विष को पीने के बाद भगवान भोलेनाथ ने यहीं पर को तपस्या की थी, और जो उन्हें गर्मी लगी थी तो उस गर्मी को शांत करने के लिए इस पहाड़ी वातावरण में वो आए थे, यहाँ पर उन्होंने तपस्या करी। और अंदर का वीडियो बनाने का ऑर्डर नहीं है तो हम अंदर दर्शन करके आ चुके हैं। तो अब आप देख सकते हैं नीलकंठ मंदिर है ये सामने, और यहाँ पर को जल हम चढ़ा चुके हैं, फिर बाहर पूजा की जाती है मंदिर के बाहर इस तरह से। इसमें जो थाली हम लेते हैं उसमें कई एक चीज़ें होती हैं, उसमें से धूप बत्ती यहाँ पर चढ़ाई जाती है, और जो गुलाब जल होता है वो चढ़ाया जाता है। और अब हम धीरे धीरे वापस जा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं वापसी में आपको बहुत सारी दुकानें लगेंगी यहाँ पर को, कई एक औषधि मिल जाएंगी, कई एक प्रसाद मिल जाएगा, कई एक चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो आप ख़रीदना चाहें, बहुत अच्छी अच्छी दुकानें लगी रहती हैं। तो इन दुकानों का भी लुत्फ़ ज़रूर उठाएं, और अगर आपको भूख लग रही है तो आप कुछ खाने के लिए भी ले सकते हैं यहाँ पर को, दुकानें काफ़ी अच्छी लगी रहती हैं। और पहाड़ी वातावरण रहता है तो थोड़ा ठंड भी लगती है, अगर आप आएँ तो थोड़ा कुछ एक आधा गर्म कपड़े भी लेके आएँ, हालांकि गर्मी के मौसम में तो गर्म रहता है, गर्म के मौसम में तो गर्म रहता है इसलिए।